अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड? अनकॉन्शियस माइंड माइंड का तीसरा लेवल है। दो लेवल मैंने आपसे डिस्कस किए, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा लेवल है अनकॉन्शियस माइंड। ये बेसिकली आपकी जो हैबिट्स डेवलप होती हैं, जो आपका बिहेवियर होता है बचपन से, जो आपका बिहेवियर बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे आप लोगों से, अपने मुआशरे से, अपने कल्चर से जो चीज़ सीखते रहते हैं वो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में होती रहती है। जिस तरह आप प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं वही आउटपुट की फॉर्म में बाद में आती है। इसी तरह ही बचपन से, और कहा जाता है जो 7 साल हैं, बच्चे को 7 साल अच्छे दे दो, बच्चे को 7 साल इन्वायरमेंट कमाल का दे दो, वो जो 7 साल में आपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग की है, वो अगले सालों में जब वो जवान होगा, जब वो अपनी जवानी के बाद अपने पैरों पे खड़ा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो जो 7 साल आपने उसको इन्वायरमेंट दिया होता है वही बाद में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, क्योंकि आपने उस 7 साल में उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की हुई है बचपन में। तो अनकॉन्शियस माइंड आज यही आपसे डिस्कस करना है कि अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली बचपन से आपने जो डाटा अंदर प्रोग्राम किया हुआ है, आपके एनवायरनमेंट ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके पीयर्स, आपके टीचर्स ने, आपके दोस्तों ने, आपके हमसायों ने, आपके साथ जितने अटैच लोग हैं जो बचपन में आपके साथ अटैच थे, उन हर एक बंदे ने आपके अंदर कोई ना कोई सिग्नल भेजा है जो आपको बाद में उसका इफेक्ट नज़र आता है। बचपन में आपने कोई एक्सीडेंट देखा, आपने वालदैन की लड़ाई देखी, आपने किसी को लड़ते देखा, ठीक है, आपने बुराई देखी, आपने जो कुछ भी देखा वो आपको आपके ज़िंदगी के अगले हिस्से में, जो कि आपकी जवानी होगी, उसमें ज़रूर वो एग्जीक्यूट होने के 90% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग जो 7 साल की है वो बाद में लाजमन एग्जीक्यूट उसने होना होता है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, ये आपकी जो हैबिट्स हैं, जो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका टेम्परामेंट, जो आपका मिजाज है, वो कैसे बना है। अब बचपन में आपने किसी एक्सीडेंट को देखा और एक्सीडेंट में एक बंदे की डेथ हो गई, और आप उस वक्त बचपन में बहुत छोटे थे, और जैसे ही आप उस एक्सीडेंट को देखते हैं तो आपके माइंड का, आपके माइंड के माइंड में एक इवेंट क्रिएट हो जाता है, वो वाला एक्सीडेंट। जब आप बाद में आप जवान होते हैं, आप लड़कपन में जाते हैं, तो आपको वो जो अनकॉन्शियस में आपका वो इवेंट छुपा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड में वो इवेंट छुपा हुआ है, वो कभी कभी कॉन्शियस में आपको तंग करता है, आके वो कहता है कि मैंने ये चीज़ कहीं पहले देखी है। तो मैं आपके सामने, अनकॉन्शियस माइंड इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ द माइंड, ये डीपेस्ट लेवल ऑफ द माइंड है, या इसको डीपेस्ट लेवल ऑफ द इमोशंस भी कहते हैं, यहाँ इमोशंस भी होते हैं लेकिन वो डीपेस्ट है। मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड से मेमोरी को लाना या किसी चीज़ को रिकॉल करना आसान होता है, क्योंकि ये रैंडम असेस मेमोरी होती है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड से किसी मेमोरी को अपने कॉन्शियस में लेके आना, उसको सोचना कि यार ये वाकया कहाँ हुआ था, ये मैंने एक्सीडेंट कहाँ देखा था, वो रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में आपकी अनलिमिटेड मेमोरी पड़ी हुई है आपकी बचपन की, ठीक है, उसके बाद आपने 10 साल 12 साल जहाँ पे भी आपने सिग्नल्स इतने गैदर किए, वो सारे सिग्नल्स आपके अंदर पड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इतना डाटा हमारे माइंड में, हमारा माइंड छोटा सा है, यही तो ब्यूटी है। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी आपकी तख्लीक की है, और माइंड की इतनी ज़बरदस्त तख्लीक की है कि आपके माइंड के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड आपके कंप्यूटर का डाटा 10 GB, 1 TB बाइट्स में, मेगाबाइट्स, लेकिन आपके जो माइंड का जो मेमोरी सिस्टम है ना, ये अनलिमिटेड है। यहाँ पे डाटा जो आपने भेज दिया वो इसमें जाके सेव हो गया, वो आपको ख्वाब में नज़र आए, वो आपको रियलिटी में नज़र आए, और आप कहते हैं मैंने ये चीज़ पहले कहीं देखी है, आपको नज़र नहीं आ रहा था, और आप कभी कभी सोच रहे होते हैं कि वाकया मैंने पहले कहीं देखा है। तो बेसिकली वो अनकॉन्शियस मेमोरी में चीज़ें आपकी पहले की पड़ी होती हैं, जो आप अनकॉन्शियसली रिसीव कर रहे होते हैं, जिसको आपका कोई पता नहीं। अगर आपको इसको मैं समझाना चाहूँ, एक बच्चा था, वो खांसी करता रहता था, हालांकि वो
बड़ा हुआ थोड़ा सा और खांसी करता रहता था बार बार, तो उसकी वालदा बड़ी परेशान थी ना, इसको इसका गला भी खराब नहीं, खांसी करता रहता है। वो इसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। उसने कहा जी इसकी बीमारी का पता लगाएं, किसी डॉक्टर को पता नहीं लग रहा है, इसको खांसी भी नहीं है लेकिन खांसता रहता है। जब वो साइकोलॉजिस्ट ने इसको पूरी तरह इसका एनालिसिस किया, उसका इंटरव्यू किया, तो उसने क्वेश्चन किए उस औरत से कि मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चा है जो आप मेरे पास लेके आई हैं, 14 साल का या 15 साल का है, ये बचपन में ये किसी के करीब रहा है? वो कहता है जी रहा है। किसके किसके करीब रहा है? ये अपने दादा अबू के करीब रहा है। उसके दादा अबू कहीं जब ये बचपन में था खांसते तो नहीं थे ज़्यादा? कहते जी बिल्कुल खांसते थे, वो बार बार खांसते थे, और ये तकरीबन इसके साथ 2-3 साल अटैच रहा है। तो इसलिए उसने उसको रिस्पोंड किया कि यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका कॉज है, यही इसका कॉज है कि ये बार बार खांसता इसलिए है क्योंकि ये अटैच रहा है अपने दादा अबू के साथ, और ये बचपन में ही इसने वो सिग्नल्स रिसीव करने शुरू कर दिए अनकॉन्शियसली, और अब इसकी बीमारी का इलाज है कि अनकॉन्शियसली को ये एग्जीक्यूट कर रहा है 14-15 साल में। तो ये बेसिकली आपको मैंने समझाना चाहा कि अनकॉन्शियसली हम चीज़ों को गैदर कर रहे होते हैं और बाद में हमें पता नहीं होता कि चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो ये एक एनालिसिस रिपोर्ट थी जो एक साइकोलॉजिस्ट ने एक मदर के साथ शेयर की कि उसका बच्चा खांसता इसलिए है क्योंकि वो बचपन में उसने वो चीज़ अनकॉन्शियसली सीख ली होती है। अब मैंने आपको बताया कि अनकॉन्शियसली हम जो वहाँ पे ब्लड डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे रिकॉल करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये मैंने वाक्या किधर देखा है, और हम उसको रिकॉल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं यार मैंने वाक्या कहीं देखा है, ये वाक्या मेरे साथ कहीं हुआ है, या मैंने ये चीज़ पहले कहीं देखी है, ये चीज़ मैंने पहले कहीं सुनी है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ ये अननेचुरल होती हैं, तो ये बेसिकली अननेचुरल नहीं है, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद जाते हो आप जिस जिस जगह पर स्टे करेंगे, आप जिस जिस जगह पे आपकी नजरें जा रही हैं वहां पे दरख्त भी आएंगे, ब्यूटी भी आएगी, वहां पे पहाड़ भी आएंगे, वहां पे लोग भी आएंगे, वहां पे नहर भी आएगी, वहां पे ब्यूटीफुल सीनरी भी आएगी। आप कितनी चीजें यहाँ से 4 घंटे की मुसाफत जो होती है तो वो देखते हैं कि बड़ी ब्यूटी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें रास्ते में नज़र आती हैं, तो आप अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को देख रहे होते हो। और जब कभी आप देखते हो कि यार ये पहाड़ ये दरख्त मैंने कहीं देखे हैं, तो वो आपको उस वक्त पता नहीं लगेगा कि ये मैंने कहाँ देखे हैं, लेकिन आप उस सफ़र के दौरान किसी ज़माने में आपने सफ़र किया और किसी ज़माने में आपको वो दरख्त या पहाड़ या वो ब्यूटी नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं माइंड के अंदर वो मेमोरी में कहीं ना कहीं वो इमेज या वो सीनरी पड़ी हुई है जिसको आप रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको उस वक्त समझ नहीं लग रही। यही ब्यूटी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इसमें आप जो भी डाटा भेजते रहते हैं, ये वहाँ पे जाके फिक्स होता रहता है। जब इसको आप रेपिटेशन ऑफ थॉट्स या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स या रेपिटेशन ऑफ इमोशंस में लेके आते हैं तो ये आपकी हैबिट और आपका टेम्परामेंट बन जाता है, और हैबिट और टेम्परामेंट की वजह से आपका बिहेवियर जन्म लेता है, यानी आपका रवैया कैसा है। आपने बचपन में वालदैन को लड़ते हुए देखा, आपने बचपन में वालदैन को आपस में जो एक दूसरे के साथ तलख कलामी करते हुए सुना, तो आप जब बचपन से आगे लड़कपन या जवानी में जाएंगे तो आपका जो बिहेवियर होगा वो सख्त होगा क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी हैं जो कि तलख कलामी की है, तो आपके जो अल्फाज होंगे वो भी तलख कलामी होंगी, वो आपके जो अल्फाज होंगे उसमें नरमी नहीं होगी, उसमें आप अगर बचपन में आपने गालियाँ सुनी हैं तो आप गालियाँ ही नंबर ऑफ चांसेस हैं गालियाँ देने के, क्योंकि आपके वो आहिस्ता आहिस्ता आदत और टेम्परामेंट और आपके बिहेवियर पैटर्न में वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल होती रहती हैं। और जो हैबिट्स होती हैं, बड़ा खूबसूरत जुमला मुझे लगता है कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स, हम अपनी हैबिट्स की प्रोडक्ट हैं। अगर हम अपनी हैबिट्स ठीक कर लें तो हमारा टेम्परामेंट ठीक हो जाएगा, अगर हमारा टेम्परामेंट ठीक हो गया तो हमारा बिहेवियर ठीक हो जाएगा, और अगर हमारा बिहेवियर ठीक हो गया तो हम अपनी पर्सनैलिटी को अपनी शख्सियत को तब्दील कर लेंगे। तो दैट इज़ द पैटर्न या दैट इज़ द साइकिल ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू योर हैबिट्स एंड थ्रू योर बिहेवियर्स। और ये हैबिट्स और बिहेवियर्स आपके अनकॉन्शियसली बन रहे होते हैं जिसको आप देखा ही नहीं करते। एक शख्स है जो अपने अल्फाज में
है ना यूज करते हैं यार। इस तरह मैं अक्सर अक्सर ये भी यूज करता हूँ ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब है कि मैंने कहीं अनकॉन्शियसली ये चीजें सीखी और ये मैं दोबारा रिपीट करी जाऊँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो ये बेसिकली क्या है, मैंने अनकॉन्शियसली कहीं सुना और वो मेरे माइंड में पैटर्न बन गया कि मैंने किसी किसी स्पीकर को सुना या किसी बचपन में या बाद में वो चीज़ मैंने अडॉप्ट कर ली अनकॉन्शियसली। अब वो ऑटोमेटिकली, मैं चाह नहीं रहा कि वो चीज़ आपके साथ शेयर करूं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रही है अनकॉन्शियसली। मुझे भी नहीं पता कि मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अक्सर आपके साथ ये, मैं एग्जांपल आपके बार बार इसलिए दे रहा था कि आपको अनकॉन्शियस का पता चल जाए। आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपने किसी बंदे से एक अल्फाज सुना, कोई मुश्किल लफ्ज़ सुन लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बंदे से मुश्किल लफ्ज़ सुन लिया, कुस्तनतुनिया। कुस्तनतुनिया एक इलाका है जिसको हम इस्तंबोल कहते हैं। तो कुस्तनतुनिया आपने किसी एक शख्स से सुना, फिर आपने दूसरे से सुना, फिर तीसरे से सुना, तो ये आपके माइंड में किसी पार्ट पे आ गया। तो आप अपने अल्फाज में कहीं उसको यूज करेंगे कि कुस्तनतुनिया, या आप कोई मुश्किल सा वर्ड इंग्लिश का ले लें। अब मुश्किल सा वर्ड ले लें कोई, आपने कहीं सुना होगा कि आपने एक मुश्किल सा लफ्ज याद किया, या आपने किसी से सुना कि व्हाट इज, फॉर एग्जाम्पल टेम्परामेंट ले लें। टेम्परामेंट को अगर आप इंग्लिश में कहीं से सुना आपने, उसको आपने किसी और से सुना, फिर आपने किसी और से सुना, तो वो आपके जहन में आपके अनकॉन्शियसली रिवॉल्व कर रहा है आपके माइंड के अंदर। जब आप कभी किसी के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, आप किसी के सामने गुफ्तगू करेंगे, तो वो जो लफ्ज़ है ऑटोमेटिकली आप कहीं यूज़ कर देंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि आपने अनकॉन्शियसली उस लफ्ज़ को यूज़ कर लिया। आप देखेंगे यार ये लफ्ज़ कहाँ से आ गए मेरे जहन में। तो वो जहन में आने का मतलब ये है कि आप उसको अनकॉन्शियसली, आपने सिग्नल को लिया और आप अनकॉन्शियसली उसको दे रहे हो। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में सुन लीजिए, अगर आप अपना टैलेंट डिस्कवर करना चाहते हैं, ये मैं बड़ी एक पते की बात बता रहा हूँ, अगर आप अपना टैलेंट डिस्कवर करना चाहते हैं, तो आपके मेमोरी में, बचपन की मेमोरी में जो 7 साल आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, उसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट डिवेल्प हुआ है, वो आपके नंबर ऑफ चांसेस होते हैं आपके ड्रीम के, आपके इंटरेस्ट के और आपके टैलेंट के या आपके पैशन के करीब ले जाने के। जो आपका मकसद होता है वो उस पहले 7 साल में डिफाइन हो जाता है कि आपने आगे क्या करना है। तो ये एक कोटेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इससे ही रिलेटेड, ताकि आपको अपना पैशन डिस्कवर करने में इजी हो। वो जीन कोक, इसका नाम है जीन कोक टी, जीन कॉक टी। वो बड़ा खूबसूरत जुमला लिखता है। वो कहता है आर्ट इज द मैरिज, आर्ट फन, आर्ट इज द मैरिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जो आपका फन होता है वो कहाँ छुपा होता है, अगर दो चीजों की आप शादी करवा दें, कॉन्शियस माइंड की और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में आपका वो जो पैशन, आपका टैलेंट छुपा हुआ है, और उस अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने के लिए आपको दिक्कत, आपको मजबूती कायम करना होगी, आपको सोचना होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा, आपको डिस्कवर करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डिस्कवर योर टैलेंट, डिस्कवर योर सेल्फ, क्योंकि डिस्कवर करना ही हमारा एम होता है, कि ताकि हम अपने आप को डिस्कवर करके अपना टैलेंट पहचान सकें और अपने मकसद के करीब जा सकें। तो अपने मकसद को पाने का एक तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया कि अपने बचपन की मेमोरी को रिकॉल करें कि आपका क्या इंटरेस्ट था, उसको कॉन्शियस में लाएं। ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसको आपने डिस्कवर करना ही आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल समझ भी लगी होगी। अगर आपको समझ लगी, आपने अंडरस्टैंड किया है, तो आप लोगों के साथ इस टॉपिक को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।